हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी एकदम सही हूँ। लेकिन एक समाचार बिल्कुल सही नहीं है और उसके बारे में हम बात करते हैं। हालांकि मैं कल लाइव आया था अपने यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में और उस पर मैंने आपके इसके बारे में जानकारी दी थी, इस घटना के बारे में। लेकिन अब इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और न्यूज़पेपर में भी आ गया है, तो मैं अब इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी देता हूँ कहाँ की ये घटना है और एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ये घटना है खटीमा के पास सुरई रेंज की, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है सुरई, और जो कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और वहाँ अक्सर टाइगर देखे जाते हैं। और अभी जंगल सफारी भी उस एरिया में, उस रेंज में स्टार्ट हो गई है, जिसको सुरई इको टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। और 15 नवंबर से यहाँ सफारी भी स्टार्ट हो पाएगी। और जो ये जगह है वो है, मतलब आप ये मान के चलिए कि जंगल के अंदर एक विलेज है बग्गा, तो उसके पास की ये घटना है। और वहाँ पे कल यानी कि 25 अक्टूबर को एक घटना हुई है सुबह के 11 बजे, तो बाघ द्वारा एक बुजुर्ग महिला पर अटैक किया जाता है, बागुली देवी। और उसके बाद खबर ये आती है कि वो बच नहीं पाई और बाघ के हमले से मारी जाती है। तो उसी दौरान, मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत कार्रवाई की जाती है। और ट्रैक्टर में बख्तरबंद ट्रैक्टर होता है, जो कि मतलब पूरा सीज होता है, मतलब बाउंड्री, मतलब पूरा एकदम लोहे के जाल से बंद होता है। और उसके अंतर्गत बैठ के फॉरेस्ट के लोग जाते हैं। और उसके बाद जो भागुली देवी है, जिनको टाइगर ने अटैक किया था, उनकी बॉडी ढूंढी जाती है। तो बॉडी ढूंढते टाइम देखा जाता है कि टाइगर बॉडी के पास ही है। और फिर फॉरेस्ट डिवीजन 17 राउंड फायरिंग करती है हवा में, तब जाके टाइगर वो बॉडी को छोड़ता है। तो सबसे पहले हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और ये घटना यहाँ की पहली नहीं है, तो पहले मैं आपको इसका एक रूपरेखा बताता हूँ कि ये जगह कैसी है और क्या है। तो बेसिकली मेन रोड से जंगल की तरफ जाते हुए 7 किलोमीटर बाद ये विलेज पड़ता है, जिसका नाम है बग्गा, और जहां अभी भी कानूनी लड़ाई है फॉरेस्ट और गांव की कि ये अतिक्रमित विलेज है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसमें अपना हक जताती है और वहीं विलेज वाले भी बोलते हैं कि ये हमारा जमीन है। तो मतलब काफी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है और आप समझ ही सकते हैं कि जंगल में अगर कोई गांव है तो कितना खतरों से खाली है। तो ये गांव एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया पे है और जहाँ पे मतलब घटना आए दिन होते रहती है। तो इस पे मैंने पुराने ब्लॉग्स भी डाले थे, तो पहले भी ऐसी घटना रिपीट हुई है। तो मैंने लास्ट टाइम जब ब्लॉग डाला था, एक मैंने आपको टर्म भी बताया था देजाबू, तो उसमें ये लगता है कि सेम थिंग पास्ट में भी हैपनिंग हुई है, तो वैसे ही ये फिर से रिपीट हुई है। तो मैं बताता हूँ आपको ये घटना के बारे में जो इससे पहले हुई थी। तो जो सबसे पहले मामला आया था वो आया था 29 जनवरी को, जिसमें केवल सिंह जी, जो कि 38 वर्षीय थे, वो घास लेने के लिए अपने दो साथियों के साथ जाते हैं जंगल में और वहां पे टाइगर उन पे हमला कर देता है। उसके बाद जब सूचना मिलती है, वन विभाग की टीम पहुंचती है और टाइगर उनकी जो बॉडी होता है उसको छोड़ता नहीं है। और कम से कम उस टाइम पे 14 राउंड फायरिंग करनी पड़ती है फॉरेस्ट डिवीजन को और 25 लोगों की टीम होती है, तब जाके टाइगर बॉडी छोड़ के भागता है। और इस मामले में भी बॉडी खाई नहीं जाती है टाइगर के द्वारा। और जो दूसरी घटना थी वो थी 27 अगस्त को, जहाँ पे हरनंदन जी अपने वाइफ के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश से आए थे, लकड़ी बीनने के लिए गए थे। तो झाड़ों में जो सीख होती है उसको इकट्ठा करने के लिए गए थे। तो वो झुक के जब वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी टाइम टाइगर ने उन पर अटैक किया। और उसके बाद जब तुरंत सूचना दी गई फॉरेस्ट डिवीजन को, तो उसके बाद जब फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची
और तब भी सेम सिचुएशन हुई थी कि टाइगर ने वो बॉडी छोड़ी नहीं और अपने पास ही रखी थी। और उस टाइम में फॉरेस्ट डिवीजन को 25 राउंड फायरिंग करनी पड़ती है और तब जाके टाइगर वहां से भागता है। और फिर घटना हुई है 25 अक्टूबर यानी कि कल। तो कल जो अटैक हुआ है वो एक बुजुर्ग महिला पे हुआ है जिनकी उम्र 70 साल की थी, भागुली देवी जी। तो वो भी घास लेने गई थी और टाइगर ने फिर उन पे भी अटैक किया। और उसके बाद जब बॉडी नहीं मिली, फॉरेस्ट टीम ने जब ढूंढना स्टार्ट करा तो उसके बाद फॉरेस्ट डिवीजन को जब बॉडी दिखती है तो वहीं पे टाइगर भी बैठा था। और उस टाइम भी 17 राउंड फायरिंग करनी पड़ी तब जाके टाइगर ने उनकी बॉडी को छोड़ा। तो मतलब तीनों केसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और जो तीनों केसेस हैं वो भी आसपास के ही है, मतलब 2-3 किलोमीटर के एरिया के हैं जो बग्गा विलेज है उससे। तो उसके बाद भी ये रिपीटेड केस हो रहे हैं। तो वन विभाग का कहना है कि हमने बहुत पहले से वार्निंग दी है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, लेकिन उसके बाद भी लोग बिना विभाग को जानकारी दिए अकेले अकेले जा रहे हैं जंगल में और उस वजह से ये घटना हो रही है। और हालांकि ये किसकी गलती है कहना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि जो उस टाइम में होगा तो वही जानते हैं, लेकिन अक्सर टाइगर जंगल में जब अटैक करता है तो वो कहीं ना कहीं गलती से अटैक कर देता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि झाड़ी में कोई उसका प्रे है या कुछ भी है। अगर टाइगर है तो वो सिंगल सोलो सोलिटरी एनिमल है, वो अकेला रहना पसंद करता है और उसको अपनी टेरिटरी में कोई भी दखलअंदाजी किसी भी तरह की पसंद नहीं होती है। तो अगर उसको कुछ भी चीज़ शक के दायरे में आती है तो वो अटैक कर देता है। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो भागुली देवी जी पे अटैक कर दिया और उस दौरान उनकी नस फटने के वजह से उनकी जान चले गई। और उसके बाद अब विभागीय रूप से इसमें पुख्ता जानकारी आ गई है, हालांकि कल मैंने आपको अपडेट किया था नाइट के टाइम में लाइव, जितने लोग जुड़े थे उस टाइम में, काफ़ी लोग जुड़े थे, मैंने काफ़ी लोगों को उस टाइम में भी घटना के बारे में बताया था, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और मैं एक आर्टिकल भी लगा रहा हूँ न्यूज़ का। और बाकी जो उस टाइम में फॉरेस्ट की टीम पहुंची थी, जो वो क्लिप है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना ज़्यादा मतलब चुनौती का काम रहता है फॉरेस्ट विभाग का, ये भी हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जहाँ पे टाइगर किसी को मार के बैठा है और वहाँ से वो बॉडी को कलेक्ट करना अपने आप में भी बहुत बड़ी चुनौती है फॉरेस्ट विभाग की भी जान की। बहुत मतलब ऐसी जगह में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एरिया होता है और उसमें मतलब फॉरेस्ट विभाग के साथ जो सहकर्मी होते हैं कई तो उसमें नॉन पे रोल में भी होते हैं, जैसे वॉचर जो जंगल में वॉचिंग करते हैं, जो कि मतलब मंथली जिनकी आय 8 से 9 हज़ार भी नहीं होती है, वो अपनी जान की बाजी लगा के ऐसे कामों में फॉरेस्ट डिवीजन का साथ देते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और कम भी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इंसानों की भूख जिंदा है तब तक मतलब ऐसे केसेस होते रहेंगे। हालांकि बहुत बुरा लगता है जब भी ये सुनने को मिलता है कि एक टाइगर ने किसी पे हमला किया और किसी को मार दिया, तो मतलब अफसोसजनक है और मतलब जिनके साथ बीतती है वही वो चीज़ को समझ सकते हैं या उनकी फैमिली समझ सकती है। तो उनकी पूरी फैमिली को हम हिम्मत बांधने की, हौसला अफजाई करने की प्रार्थना करते हैं भगवान से। लेकिन यह है कि ये केस थमेंगे कब और कैसे थमेंगे और कब थमेंगे, तो ये मतलब एक मिस्ट्री है। और टाइगर बचाना भी हर किसी का कर्तव्य है और बचाना भी चाहिए, अगर टाइगर नहीं बचाए जाएंगे तो शायद हमारा जंगल भी नहीं बचेगा। तो कई लोग मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें मतलब अपनी राय भी देते हैं कि टाइगर को मार दो, टाइगर को गोली मार दो, टाइगर ख़त्म कर दो, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मतलब आने वाली पीढ़ी शायद जंगल ही नहीं देख पाएगी और जंगल ही नहीं बचेगा टाइगर ना होने से। अगर टाइगर होगा तभी जंगल बचेगा। उसका सीधा सा कारण यह है, टाइगर जो हार्बिवरस एनिमल होते हैं, जो घास चारा खाते हैं उनको मार के जंगल का संतुलन बनाए रखता है,
अगर वो उनको नहीं मारेगा तो वो पूरा जंगल चट कर पाएंगे, चट कर जाएंगे। और जंगल चट हो गया तो हमारी जो मिट्टी है वो भी मजबूत नहीं होगी और वो एक हल्की सी बारिश में पूरी बह जाएगी, तो जिससे कि पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट बचाने के लिए नेचुरल तरीका यही है कि हमें टाइगर को बचाना है, और टाइगर को बचा के ही जंगल हमारा बच पाएगा, तो ये तो सीधा सीधा कारण है। और लेकिन टाइगर बढ़ क्यों रहे हैं, किसी एरिया में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, उसके भी बहुत कारण है। आप लोग अक्सर देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जगह जगह पे जंगल काटे जा रहे हैं और आधुनिकीकरण के नाम पे जंगल ख़त्म किए जा रहे हैं, वहाँ पे शहर बसाए जा रहे हैं। लेकिन जो कई जन्मों से, हमसे भी पहले टाइगर का रिश्ता रहा है धरती से, तो जो उनके एरिया थे, जो वो अपनी जनरेशन से, अपने माता पिता से, मतलब जो उनके टाइगर सीखते हुए आ रहे थे, वो उस जगह से भाग के दूसरी जगह आ रहे हैं। लेकिन लगातार लोगों से सताए जाने के कारण वो इंसानों को भी अब दुश्मन समझने लग गए हैं। इतने सारे केसेस आते हैं आए दिन पोचर के थ्रू, इतने लोगों को मार, इतने पोचर ने इतने टाइगर को मार दिया है। अभी कल की एक घटना मैं देख रहा था जहाँ पे, मतलब उसके बारे में भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, तो वहाँ पे टाइगर का गर्दन काट दिया था और दो हाथ दो पांव दोनों काट के ले गए पोचिंग के लिए, काट के ही ले गए। तो मतलब इतना बुरा लगा ना मुझे, मतलब कि इंसान क्या कर रहा है यार। तो ये चीज सोचने वाली बात है। और जंगल में जाना क्या सही है, हालांकि डिपेंडेंसी होती है गांव वालों की, वो मैं मानता हूं अच्छे से, और होता भी है कि घास वगैरह लेने के लिए लोगों को जाना पड़ता है, मवेशी होते हैं, लेकिन इतनी बुजुर्ग महिला को जाना पड़ा, क्या उसके पीछे कारण रहा? तो पूरा बैकग्राउंड आपको भी समझना चाहिए कि मतलब क्या नीड रही होगी महिला अकेले गई जंगल में घास लेने के लिए, और घास लेते टाइम वो झुकी होगी जो मुझे लगता है, और उस टाइम में टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया। और ये टाइगर आदमखोर भी नहीं है, मैनेटर भी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम था, इतनी देर में शायद वो पूरी बॉडी खा सकता था, लेकिन उसने खाया नहीं, वो खुद गलती कर बैठा, और उसके बाद वो बॉडी के साथ ही था, और जब फायरिंग हुई उसके बाद ही उसने भागुली देवी जी को छोड़ा। तो मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि वो गलती हुई है टाइगर से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसके क्षेत्र में कोई अननोन चीज पहुंचती है तो ये हादसे होने स्वाभाविक हैं। तो फॉरेस्ट की टीम भी लगातार उस विलेज में गश्त कर रही है और लोगों को चेतावनी दे रही है लगातार कंटिन्यू, लेकिन कई बार, मतलब हम ऐसे एरिया में घूमते हैं जाते हैं ड्राइव करते हैं और लोगों से इंटरव्यू भी लेते हैं, और कई लोगों का कहना ये भी होता है कि हमें पता है यहाँ पे टाइगर है, हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो वही है कि मजबूरी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में ग्रुप बना के जाया जाए, झुंड बना के जाया जाए। देखिए मतलब फॉरेस्ट वाले भी जाते हैं, वो भी ग्रुप बना के जाते हैं, उनके हाथ में लाठियां होती है, शोर करके जाते हैं, टाइगर जिस क्षेत्र में होता है हल्ला करते हुए जाइए, शोर मचाते हुए जाइए। अगर सन्नाटे से एकदम कोई जाएगा और अचानक से टाइगर होगा तो ऑब्वियसली वो अपने बचाव के चक्कर में अटैक कर सकता है, तो ये घटना भी कहीं उसी से प्रतीत होती हुई लग रही है। तो ये तीसरा केस है उसी एरिया में, और जहाँ तक है हो सकता है कि वही टाइगर हो, जैसा पैटर्न है अभी तक, तीनों पैटर्न मैंने आपको बताए और तीनों पे मैंने अपने ब्लॉग्स भी शेयर किए, लेकिन ये कहना अभी मेरे द्वारा सही नहीं है कि ये वही टाइगर है, क्योंकि इसमें अभी क्या है ना, अभी पूरा आधुनिकीकरण हो चुका है फॉरेस्ट में, और फॉरेंसिक टीम अभी तक, जैसे हम क्राइम में सुनते थे कि इंसानों में जब मौत होती थी या किसी का मर्डर होता था तो फॉरेंसिक टीम पहुंचती थी और जांच करती थी, डीएनए सैंपल लेती थी, लेकिन अब फॉरेंसिक टीम वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत भी है, काफ़ी एक्सपर्ट है, तो वो डीएनए सैंपल इकट्ठा करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी जब वो फॉरेस्ट की टीम पहुंची तो एट अ टाइम जहाँ पर अटैक किया था वहीं पर डीएनए सैंपल लिए, और डीएनए सैंपल में उनको जब टाइगर ने अटैक किया तो टाइगर का बाल भी मिला, और जो टाइगर ने जबड़ा लगाया था तो उसमें जो सलाइवा होता है बॉडी में, वो सलाइवा भी सैंपल में मिला।
तो जो पुराने डीएनए भी रखे थे और जो ये डीएनए लिया गया है, जब ये डीएनए प्रोसेसिंग के लिए जाएगा तो कुछ टाइम लगता है इसमें, लंबा चौड़ा टाइम लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। जब वो प्रोसेस के बाद पता चलेगा कि ये वही टाइगर है या अलग टाइगर है, और हो सकता है कि अगर ये वही टाइगर है तो कहीं ना कहीं टाइगर के लिए भी फिर सही नहीं रहेगा, तो फॉरेस्ट टीम भी हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले वहाँ पे। हालांकि वो जंगल का एरिया है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, और मतलब कि स्वाभाविक है उस एरिया में टाइगर रहना। और सुरई रेंज में आज के डेट में मतलब 40+ टाइगर होने की बात बताई जाती है, और जगह 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 पे लोगों को वार्न भी किया जाता है, और जगह जगह पे चौकी भी होती है। तो इस विलेज के पास फॉरेस्ट की चौकी भी है, बग्गा भी है, जहाँ पे लगातार लोगों की भी गश्त होती है, और गांव वालों को भी बोला जाता है कि आप अकेले ऐसे ना जाएं। तो उसके बाद भी ये केस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम आशा करते हैं कि आगे ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो और लोग भी मतलब जाएं, अगर तो ग्रुप बना के जाएं और शोर शराबा मचा के जाएं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक जो विलेज में होते हैं जिनकी डिपेंडेंसी ही जंगल से होती है, तो उनको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे फॉरेस्ट टीम भी अपनी गश्त वगैरह बढ़ाएं और लोगों को एजुकेट करें, जितना ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाएगा। एनजीओ से भी मेरी विनती है कि आप लोग भी पर्सनली जाके ऐसी जगह में लोगों को समझाएं कि ऐसे एरिया में, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में, टाइगर के एरिया में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर सावधानी बरती जाएगी ना, तो मतलब मुझे ये लगता है कि टाइगर हमलावर नहीं रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे, और को एग्जिस्टेंस यानी कि वाइल्ड लाइफ और हम साथ में भी रह सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें और सावधानी और नियम का पालन करें, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो उसमें ना कोई जनजीवन को हानि पहुंचेगी, ना वाइल्ड लाइफ को हानि पहुंचेगी। तो इस उम्मीद में हम आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं, और आशा करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट केसेस बहुत कम हो जाए और ना के बराबर हो, और हो ही ना बिल्कुल भी, जिससे हमारे टाइगर भी बचे रहें और इंसानों को भी कोई हानि ना पहुंचे, और भागुनी देवी को, आत्मा को, आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।